फ्लैगशिप। अब ये वर्ड सुनने के बाद ना माइंड में यही चलता है कि हाई प्राइजिंग एंड हाई स्पेक्स एंड ग्रेट परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग ग्रेट। तो इस बार रेडमी कुछ यही टाइटल अपने रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के साथ यूज़ करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे ना रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स फ्लैगशिप। अब यार यहाँ पे प्राइसिंग का कुछ डिफरेंस नहीं होगा, मतलब प्राइसिंग कुछ सिमिलर ही मिलेगा मिड सेगमेंट के रेंज में, पर फ्लैगशिप स्पेक्स मिलने वाला है। तो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो यहाँ पे Redmi Note 11 Pro Max के लिए, तो आप लोगों को एक ग्रेट फ़ोन मिलेगा इन 2021, क्योंकि कन्फर्म है इस बार कुछ अलग सा करने वाला है Redmi। एंड Redmi अपने Redmi Note 11 सीरीज़ के साथ ना कुछ डिफरेंट टाइप करने वाला है, मतलब यार बेस्ट प्राइस पॉइंट पे बेस्ट से भी ऊपर स्पेक्स ऑफर करने वाला है लाइक फ्लैगशिप। और यहाँ पे कंफर्म है कि अगर आप लोगों को Redmi Note 11 Pro Max 19,999 के रेंज में मिल जाए, वो भी स्नैपड्रैगन के न्यू चिपसेट्स के साथ एंड न्यू कैमरास के साथ, तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू कीजिए और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। शुरू करते हैं। हाँ, इस बार कंफर्म है Redmi Note लाइनअप सीरीज़ में फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लाने वाला है, तो बहुत सारे अच्छे अपग्रेड्स होंगे। तो सबसे पहले हम अपग्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं, मीन इस फ़ोन की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस स्लैश कोर स्पेक्स के बारे में जो इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है। एंड आप कमेंट करके बता सकते हो कि स्नैपड्रैगन 780G चिप कैसा लगता है आप लोगों को एज अ यूजर्स, क्योंकि स्नैपड्रैगन के 7 सीरीज़ में है एंड एक बेस्ट गेमिंग चिपसेट भी है जो इस फ़ोन के अंदर मिलने वाला है। डुअल 5G कनेक्टिविटी जो ऑब्वियसली अभी सभी स्मार्टफोन्स के अंदर मिल रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज ऑप्शंस एंड यहाँ पे रीड और राइडिंग स्पीड में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, लाइक LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलेगा। एंड ये फ़ोन एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पे रन करने वाला है, एंड्रॉयड 12 पे। कैमरे के बारे में बात करते हैं जो इस फ़ोन का सेकेंड की हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है, इस फ़ोन का कैमरा। तो यहाँ पे कैमरे में भी अपग्रेड है, लाइक इस फ़ोन के अंदर न्यू क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा एंड यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का सोनी का न्यू सेंसर मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जो कन्फर्म था कि 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, तो अब भी उस रिलेटेड कुछ भी न्यू अपडेट्स नहीं रिवील हो रहे हैं। अगर कन्फर्म होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि 50% आप मान के चल सकते हो इस फ़ोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का भी सेंसर मिल सकता है इन द फ्यूचर, अभी कंफर्म नहीं है। एंड अगर हम बात करते हैं फ्रंट सेल्फी के बारे में, तो फ्रंट सेल्फी भी कंफर्म है, AI बेस्ड सेल्फी मिलेगा विथ OIS एंड यहाँ पे कंफर्म है 44 मेगापिक्सल का न्यू सेंसर होने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं जो इस फ़ोन का सेकेंड की हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है। इस फ़ोन का डिस्प्ले जो ओवरऑल एक बेस्ट डिस्प्ले ऑफर करने वाला है इस बार Redmi Note 11 Pro Max के अंदर एंड यहाँ पे कंफर्म है 120Hz का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। एंड यहाँ पे आप लोगों के मन में ये तो डाउट ज़रूर होगा कि आजकल सभी स्मार्टफोन्स के अंदर मिल रहा पर सुपर एमोलेड पैनल नहीं मिल रहा, 90Hz का IPS LCD पैनल मिल रहा, पर इस बार कन्फर्म है सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा जो काफ़ी अच्छा होगा। 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज रहने वाला है, फुल HD प्लस का रेजुलेशन एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक सिंगल पंच होल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एंड ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा। प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो इस बार Redmi ना कुछ अलग से स्ट्रेटेजी पे चल रहा है, लाइक इस बार ना कम प्राइस पॉइंट पे फ्लैगशिप स्पेक्स ऑफर कर रहा है अपने Redmi Note 11 Pro Max के अंदर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म है इस फ़ोन का बेस्ट प्राइसिंग इंडिया के अंदर हो सकता है 19,999। अगर इस फ़ोन का सेकेंड वेरियंट के बारे में बात करते हैं जो सेकेंड टॉप होगा, उसका प्राइसिंग 24,999 हो सकता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा रिकमेंडेड है स्टोरेज एंड रैम, तो आप सेकेंड ऑप्शंस के तब जा सकते हो। एंड हाँ, इस फ़ोन का थर्ड रैम वेरिएंट्स भी होगा, लाइक 8GB टू 56GB एंड मिड यहाँ पे 8GB 128GB एंड स्टार्टिंग यहाँ पे 6GB 128GB। ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस भी मिल रहा है। एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो ये फ़ोन अगस्त के एंड या फिर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मतलब कुछ ही दिनों में ये फ़ोन भी आप लोगों के हैंड्स ऑन मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है तो आप इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।